सत्ता पूर्णिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है, तो सत्ता में जो लोग उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूरी जो है घूमती रहती है। देखिए मृतक के परिजनों से हम लोग मिले और पूरी जानकारी जो है गोपाल स्वर्गीय गोपाल यादुका जी के जो दोनों भाई हैं उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो हैं बताई हैं। और एक विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है कि इस परिवार को हम न्याय दिलाएं, और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर के कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है, यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है। और इसमें कई लोग जो हैं जमीन विवाद को लेकर के, हालांकि इन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया होगा वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं, ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ पूर्णिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है, तो सत्ता में जो लोग उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूरी जो है घूमती रहती है, और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन बचाने का काम करती है। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है जो घटना हुई है। नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी हैं और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। बीमा भारती जी के जो बेटे हैं 18 साल लगभग उम्र हुआ है, उनको जबरन जो है फंसाया गया है, और जो जनता दल यूनाइटेड के चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या एक और कोई नवगछिया का नेता है दीपक यादुका और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के दबदहा के, ये शंभु जायसवाल, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, परिवार के भाई जो हैं ताफरा, इन सब लोग जो हैं एसपी साहब की पूरी जानकारी में। लेकिन अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? तो हम लोग एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए न्याय दिलाने में जो हम लोग का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे। और एसपी साहब से पुनः हम अपील करते हैं कि किस चाहे कोई भी जो लॉ है उसका पालन करें, जो एविडेंस है, जो परिजनों का जो आरोप है उस पर नज़र जो है लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, किसी के दबाव में आकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं, आपको भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या बिहार में जब से 20 से सरकार बनी है लगभग 3-4 बार बदल चुकी है, तो किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। जो लॉ है, न्याय है, वो हम लोगों को देखते हुए इन परिवार के लोगों को आपको भी पता है कि एक चुनाव के दौरान 20 में मेरा भी नाम जो है एक दलित की हत्या में मेरा भी नाम जोड़ा गया था, शक्ति मलिक हत्याकांड। लेकिन उस समय के एसएसपी साहब ने जो है हमको क्लीन चिट दिया तो उसके बाद से उनको सेंटिंग में कर दिया गया। यही तो है न्याय नीतीश जी का,
और आज इस परिवार जो है सुरक्षा तो दे ही दे, लेकिन जब तक सही लोग नहीं पकड़ाएगा तब तक ये परिवार भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा। सवाल तो ये, अगर निर्दोषों को फंसा करके जेल में आप डाल दोगे तो भविष्य में जो अपराधी उसको तो बल मिल गया, बल मिला तो एक भाई की मृत्यु हुई है, कल को दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये सरकार और प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में रहने वाली चीज़ नहीं है। कुर्सी पे जो लोग आते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसको सदैव यहीं रहना है। उसलिए न्यायपूर्ण फैसला लोगों को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए, और जो सबसे बड़ा जो सदन है लोकतंत्र का, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जो है इस बात को हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, बिहार में केवल पूर्णिया ही नहीं उदाहरण, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे जाएं, या जब से ये लोग आए हैं तब से पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, लगातार अपराध चरम सीमा पर है, और किसी को न्याय जो है नहीं मिल पा, कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर पा। इसलिए थोड़ा परिवार के लोग जो हैं, हम लोग संवेदना जताते हैं और हम लोग परिवार के लोगों को भरोसा जताते हैं कि न्याय जो है हम लोग दिलाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और आप आमने सामने थे? एक बात समझना होगा कि आज जो विषय जो है ये विषय कुछ और सर, सर इसको हल्का मत, नहीं हल्का नहीं, सबसे गंभीर मसला है। राजनीति दिन रात 24 घंटे चलेगी, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई जो है ये भी उस पर ही आप ज़्यादा रखिए, नहीं तो इधर का उधर आप लोग दिखाएंगे।